हेलो दोस्तों, मैं आपको लेकर आया हूँ काला पत्थर बीच और ये एंट्रेंस गेट और उसी का साथ में बड़े बड़े पेड़। आपको मैं नज़दीक से दिखाने बीच की ओर ले चलता हूँ। देखिए वहाँ पर खूबसूरत नज़ारा, बादल छाए हुए हैं और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ जो ढल गए थे उनके जड़ बहुत खूबसूरत दृश्य बिखेर रहे हैं समुंदर के किनारे पर। आप देखिए ये बड़े बड़े पत्थर और सामने दिखता है हटबे आइलैंड और ये सामने बहुत बड़े बड़े पत्थर और पानी के लहर अभी हमारी ओर आ रही है। और ये देखिए समुंदर का बीच में बहुत बड़ा पत्थर चट्टान बन के खड़ा है और दूर से देखने से बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। और आप देखिए यहाँ से आपको ये काला पत्थर बीच जो है यहाँ से दूर से देखने से इस तरह दिखाई दे रहा है, बहुत खूबसूरत दृश्य आपको देखना चाहिए। और मैं आपको अभी नज़दीक लेके आया हूँ वही काला पत्थर बीच, जहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे चट्टाने काले काले पत्थर छाए हुए हैं और उसी का नाम से इस बीच का नाम काला पत्थर बीच पड़ा है। और यहाँ पर बहुत खूबसूरत दृश्य, और देखिए हम आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ भी पत्थरों के बीच में उगे हुए हैं। और यहाँ से आप समुंदर किनारे की ओर जा सकते हैं। तो चलिए हम आपको समुंदर किनारे की ओर ले चलता हूँ। देखिए यहाँ से समुंदर किनारे में भी बहुत बड़े बड़े छावदार पेड़ है। धूप का टाइम में हम लोग यहाँ पर बैठ के ये खूबसूरत नज़ारा जो है निहार सकते हैं। और ये पेड़ का बीच में बहुत ठंडक रहती है और ये बहुत बड़े बड़े पत्थरों के बीच में ताज्जुब लगता है कि ये पेड़ ऐसे खड़े हैं। और ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है ये समुंदर का पानी से बना हुआ है और ये यहाँ तक पानी आ जाता है, लेकिन अभी पानी उतरा हुआ है इसलिए आपको यहाँ पत्थर दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो ये डूबा हुआ रहता है हमेशा। और अब थोड़ा ये जो छेद दिख रहा है यहाँ से ये छोटा सा छेद दिखता है, लेकिन ये बहुत बड़ा छेद है, हम दूर से दिखा रहा है, आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो छेद है दो बिल्ली की आंखें की तरह बना हुआ है और ये दो छेद में से कभी कभी समुंदर का पानी ये तरफ में आ जाता है। और ये बिल्ली का शेप में जैसा है और ये पानी बह बह के इस तरह शेप बना हुआ है। और सही में ये कुदरती दृश्य, बिल्ली दो आँख नाक मुंह सब कुछ दिखाई दे रहा है, क्या खूबसूरत नज़ारा है। आप लोग ज़रूर आइए यहाँ पर, देखिए काला पत्थर बीच जो लिटल अंडमान में आया है, अंडमान निकोबार आइलैंड के बीच में। और ये बहुत बड़ा चट्टान है, ये दूर से आपको इस तरह दिखता है लेकिन नज़दीक से देखने से बहुत ही बड़ा चट्टान है। और ये अगल बगल बीच जो बारीकी रेत से भरा पड़ा है, यहाँ बच्चे बहुत अच्छी तरह से खेल सकते हैं और पानी चढ़ने से यहाँ नहा भी सकते हैं, लेकिन बड़े आदमी का साथ में रिस्क रहता है, बड़े आदमी बच्चे के साथ में रहना चाहिए। और ये मेरा वाइफ वीडियोग्राफी कर रही है, इधर उधर खूबसूरत दृश्य मोबाइल में अपना कैप्चर कर रही है। और ये देखिए ये चट्टान, उन्हीं के नाम से ये काला पत्थर बीच पड़ा है, बहुत बड़ा काला पत्थर यहाँ पर ये छाया हुआ है। और आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर मछुआरे लोग जो है मच्छी पकड़ रहे हैं, उनको मछली का अपना शिकार है। और ये देखिए पत्थर बहुत बड़े बड़े, बहुत खूबसूरत दृश्य आपको दिख रहा है। आपको ज़रूर मेरा वीडियो लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करना चाहिए, ताकि अपने दोस्तों
को भी आप दिखा सकते हैं घर बैठे बैठे अंडमान निकोबार के लिटिल अंडमान का नज़ारा। और देखिए नीचे ज़मीन के अंदर से भी पानी आ रहा है, और यहाँ पर ये जो है जकाड़ी है जहाँ पर कभी कभी कछुआ मगरमच्छ ऐसे जानवर भी कभी कभी रात का टाइम आ जाते हैं। और ये यहाँ का खूबसूरत दृश्य जो रेत में छाया हुआ है, और ये पानी जब चढ़ता है तो ये सारा डूब जाता है, लेकिन अभी पानी उतरा है इसलिए आपको पानी का नीचे का ज़मीन जो आपको हम बहुत खूबसूरत तरीके से दिखा रहा हूँ। और ये देखिए समुंदर का नीचे का ज़मीन जहाँ पर छोटा छोटा ग्रास निकला हुआ है, समुद्री ग्रास है। अभी पानी उतर गया है इसलिए दिखता है, नहीं तो ये पानी का नीचे ही रहता है और उसमें बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं। और पानी चढ़ेगा तो उसमें मछलियाँ भी आ जाती है अपना पेट भरने के लिए। और ये बालू रेत, रेत का ऊपर में घास उगा हुआ है, ध्यान से देखने से आपको दिखाई देगा ग्रास, और ये समुंदर का ग्रास है, पानी का नीचे रहने वाला ग्रास है। ये खूबसूरत दृश्य काला पत्थर बीच जो लिटिल अंडमान में आया हुआ है, अंडमान निकोबार आइलैंड में। और ये देखिए खूबसूरत चट्टान पत्थर से बना हुआ है, और आसपास में पेड़, और ये हरा हरा समुद्री ज़मीन दूर से देखने से बहुत बड़े बड़े पत्थर भी दिख रहे हैं, और ये समुद्र के बीच में पत्थर और लहरें समुंदर का। और ये कुछ लोग जो है मछलियाँ पकड़ते हुए दिख रहे हैं। और ये खूबसूरत दृश्य के अलावा आपको क्या चाहिए। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे मेरा वीडियो देख सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि आपका दोस्त भी देख सके। और ये है समुद्री जीव जो अपना खाना ढूंढने के लिए जा रहा है, अपना पेट भरने के लिए। जब पेट भर जाएगा अपना घर में घोंसला में चले जाएगा। तो ये जीव जंतु का नज़ारा, और साथ में और भी अपना पेट भर के दूसरा जीव जंतु जो है अपने घर की ओर जा रहा है। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, ताकि आप अच्छा से अच्छा वीडियो देख सके। ओके बाय दोस्तों।